आज बहुत खुश नजर आ रही हो, भला आज कौन आने वाला है? अरे बहना ये क्या बताएगी, मुझसे पूछो। तुझसे क्या पूछे, तू क्या बतलाएगी अपना सर? मैं बताती हूँ, आज लंबे सफर से रानी का राजा आने वाला है। क्यों रानी, आज तेरे बाग में फूल नहीं खिले जो यहाँ लेने आई है? इसके बाग में तो आज आशा के फूल खिले होंगे, बेचारी ने इतनी बहुत सी काली काली रातें नैनों में काटी होगी। क्यों रानी? हटो, मुझे ये छेड़ अच्छी नहीं लगती। हाँ हमारी छेड़ क्यों अच्छी लगने लगी, छेड़ तो पर्दे से साजन की भली लगेगी। अरे जल्दी जा रानी, डाक गाड़ी का समय हो गया, राजा की आँखियाँ रानी को ढूंढ रही होंगी। अरे छोटे बाबू आ गए, छोटे बाबू आ गए। बेटा, अरे छोटे बाबू आपके तो कई बरस से आए हो। माता जी, जुग जुग जियो मेरे लाल, अब के कितने दिनों बाद सूरत दिखाई है, रात दिन तेरी राह देखा करती थी। माँ अब कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल अच्छा। माधु काका क्या हाल है? जी रहा हूँ बेटा। अरे चल अंदर तो चल। और एक तू है कि चिट्ठी लिखने भी कम कर दी, पहले तो तू ऐसा ना था, भगवान जाने तुझे क्या होता जा रहा है। नहीं माता जी बात यह है बस कि... बस रहने दे अपनी बातें, जाके कपड़े बदल डाल, मैं तेरे लिए नाश्ता तैयार कराती हूँ। रानी, ओ रानी, ओहो तुम तो बिल्कुल बदल गई हो रानी। मैं तो नहीं बदली, आपकी नजर बदल गई होगी। मेरी नजर? लाइए मैं बना देती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पूरे चार साल बाद आए हैं आप। मगर इतना मीठा बनकर नहीं आया जितना तुम समझ रही हो। फिर क्या कड़वे बनकर आए हैं? क्यों नहीं, शहर जाकर लोग कड़वे ही हो जाते हैं, जो जाता है बदल जाता है, ना उसे कभी अपना घर याद आता है और ना घर वाले। अपना घर कोई नहीं भूलता रानी, वो घर तक ना आ सके मगर घर की याद उस तक जरूर आती है। अरे हाँ मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी किताब लाया हूं। ये लो। औरत का प्यार, कैसी किताब है ये, देखी है आपने? इस किताब को भी देखा है और उस औरत के प्यार को भी जो इस किताब की हीरोइन है। नाश्ता कर लिया बेटा? जी माता जी। मैं तेरे आने की खुशी में भगवान की पूजा करने गई थी, ये रानी के लिए लाए हो? जी। कैसी किताब है? बड़ी अच्छी किताब है माता जी, नाम तो वैसे औरत का प्यार है मगर औरत की घरेलू जिंदगी का बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश, खाने पकाने का तरीका, सीने परोने की तरकीबें, गरज ये कि सभी कुछ लिखा है। अच्छा तो पहले मैं इसे पढ़ूं। ये आपके मतलब की चीज, ये तो इसके काम की किताब है। अरे हाँ माता जी, वो प्रकाश का कुछ पता चला? ना जाने कहाँ चला गया है, माँ बाप ने तो इस बेचारी का बचपन में ही साथ छोड़ दिया था, एक भाई रह गया था, उसकी भी बरसों से कोई खबर नहीं। प्रकाश भैया ना जाने कहाँ होंगे।
थी। चिट्ठी आई है मेरी? चिट्ठी? हाँ, मैं तो भूल गई थी, दो चिट्ठी आई हुई हैं, मैं अभी ले आती हूँ। ले आओ। बीना, प्रेम राग सुनाने वाली बीना, मेरे सपनों की रानी बीना, अपने लिखे हुए प्रेम गीत तुम्हारे मुंह से कानों ने सुने जरूर हैं, मगर अब आंखें तुम्हें देखना चाहती हैं। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, तुम बुलाओ या ना बुलाओ। ये लीजिए। बहुत दिन हो गए आए हुए। आपने पहले इन चिट्ठियों के लिए नहीं पूछा? नई चिट्ठी में इनके बारे में लिखा है। किसी दोस्त की है? हाँ। बड़ी खुशी हुई आपको? क्या किसी पुराने दोस्त की है? हाँ। मैं भी देखूं? हाँ। पुराया खत नहीं पढ़ा करते। आप ही ने तो कहा था। मैंने तो यही कह दिया था। अच्छा, तो फिर आप ही बताइए इसमें क्या लिखा है। क्या बुलाया है आपको? शायद बुलाए भी, अभी तो सिर्फ गजल मंगाई है। तो दूर है आंखों से। अब आप बीना कुमारी से दीपक की गजल सुनिए, जिसके बोल हैं। I need you।
कदम है उल्फत की जमीन पर, मेरा पहला ही कदम है। आजा मेरी दुनिया में, आजा मेरी दुनिया में, तुझे मेरी कसम है, मेरी कसम है। तू दूर है आँखों से, तू दूर है आँखों से, मेरे दिल को ये गम है, दिल को ये गम है। मुबारक हूँ मिस बीना, आज आपने बहुत अच्छा गाया। शुक्रिया। आज तक आपने कभी दीपक की जितनी भी चीजें गाई हैं, ये उन सबसे ज्यादा कामयाब रहेगी। जी हाँ, दीपक बाबू ने ये बहुत ही अच्छी गजल भेजी है। गजल क्या भेजी है, शायर ने दिल के टुकड़े भेजे हैं, उनको लिखिए, इसी किस्म की गजलें भेजते रहा करें। बहुत अच्छा। नमस्ते। दूर है आंखों से, मेरे दिल को ये गम है। आजा मेरी दुनिया में, तुझे मेरी कसम है। हेम साहब, खाना तैयार है। मेम साहब की बच्ची, कितनी दफा कहा कि मुझे मेम साहब मत कहा कर। बहुत अच्छा मेम साहब। बीना को बुलाया? यस सर। आओ बेटे। तुम इतना रात तक कहाँ घूमता है? हम डिनर के लिए तुम्हारा कितना वेट करेगा? आप क्या चाहती है, मैं खाना खाऊं या उठ जाऊं? अगर किसी बॉयफ्रेंड के साथ खाकर आया है तो उठ जाओ। तुम खाना खाओ बेटे, इसकी बातों का ख्याल ना करो। Yes, darling. मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि जरा जरा सी बात पर तुम मेरी बच्ची के सर नगवा करो, मगर तुम पर कोई असर ही नहीं होता, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। तो क्या वो तुम्हारा ही लड़की है, हमारा उस पर कोई हक नहीं? जब अपना मतलब होता है तो हर एक पर अपना हक जता देती हो, मगर दूसरे के हक से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। हम दूसरों का माफिक फूल नहीं है, अपना राइट पहले जरूर देखेगा। अपना राइट जरूर देखेगा? तुमने इस घर को होटल समझ रखा है। जब से तुम्हें विलायत से लाया हूँ आज तक तुमने मुझे अपना शौहर समझकर आराम पहुँचाने की कोशिश नहीं की। तो क्या हम तुम्हारे लिए अपना आराम छोड़ दे? ऐसा ही करना को था तो किसी हिंदुस्तानी औरत को वाइफ बनाना था, काय को हमारे साथ सिविल मैरिज बनाकर हमको विलायत से लाया? मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि यहाँ रहकर तुम्हारा जो जी चाहे वो करती फिरो? काय को नहीं, हम तुम्हारा गुलाम नहीं है, हम आजाद है, जो चाहे कर सकता है। तुम लोगों की आजादी ही ने इस घर को बर्बाद कर रखा है। मेरी बच्ची को तो हर वक्त डांटती रहती हो मगर अपनी फ्लोरा से कुछ नहीं कहती, वो कितनी आजाद होती जा रही है। Thank you.
डार्लिंग किसी और के साथ नाच रही है, ये कैसे हो सकता है? के 12 बजे आई हैं मेम साहिबा। एक मिनट ठहरो। ड्राइवर कितना पैसा हुआ? 4 रुपए 4 आने हो गए सर। 4 रुपए 4 आना? तो अब 100 रुपए की छुट्टा है? नहीं सर, वापिस गैरेज से निकाला। अभी गैरेज से निकाला तो 100 रुपए का छुट्टा डालेंगे, 10 रुपए दो ना, इसके पास छुट्टा नहीं है। ओ गुड नाइट स्वीट, बाय बाय। चलो ड्राइवर। कहाँ रहती हो जी इतनी रात तक? कहीं भी रहता है, तुम कौन? फ्लोरा, व्हाट्स हैपनिंग डियर? मम्मी डैडी को बोल दो जब हम घर में घुसता है तो हमारा टांग पकड़ता है, किधर जाता है, क्या किया, कहाँ गया, सब कुछ पूछता है। पूछता है तो पूछने दो, मगर तुमको उल्टा पुल्टा जवाब देना नहीं मांगता। कहे कुने, वो हमारा कौन है? वो हमारा डैडी नहीं? हाँ वो तुम्हारा कोई नहीं, मगर हमको अच्छा अच्छा खाने को पहनने को तो देता है, इतना सा खर्चा तो चलाता है। अगर कभी गुस्सा होकर हम लोग को निकाल दिया तो हम किधर जाएगा, हमको कौन पूछेगा? बेवकूफ बना और अपना काम करो। ओ मम्मी यू आर स्वीट। देखो जी तुम्हारी फ्लोरा बहुत सर चढ़ गई है। अरे डैडी के सर नहीं चढ़ेगा तो फिर किसके पास जाएगा? दो लोग प्यार में डैडी से ऐसे ही माफिक बात करता है, तुम लव को समझता नहीं, खाली पीली बोम मरता है। दीपक बाबू, दूध पीकर लिखे तो ज्यादा अच्छे गीत लिखे जाएंगे। इन
कविताओं को मत हाथ लगाओ रानी। अच्छा नहीं लगाते। ठीक तो है, हम गांव के लोग भला शायर और उसकी शायरी को क्या समझ सकते हैं। आप इत्मीनान रखिए, मैं अब इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी। नहीं रानी, तुम मेरा मतलब नहीं समझी। अरे किधर गई कॉफी? अच्छा तो अब नकल की सूची है। जरा धीरे धीरे बोलिए, मैं गीत सोच रही हूँ। अच्छा जी, ये गीत लिखना कब से सीखा? शायरों के साथ रहकर। जरा हम भी तो सुने, कैसा गीत लिखा है तुमने? क्या सुनाऊं? बड़ा अच्छा गीत हो गया है, इतना सुंदर इतना प्यारा कि बस बस। ज्यादा तारीफ रहने दो, सुनाना हो तो सुनाओ वरना हम चले। क्या चीज है मोहब्बत, क्या चीज है मोहब्बत, मोहब्बत कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे। क्या चीज है मोहब्बत, क्या चीज है मोहब्बत, मोहब्बत कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे। क्या चीज है मोहब्बत, मोहब्बत जब जिंदगी की रातें आती हैं जिंदगी में, जब अपने दिल से बातें होती है चांदनी में, होती है चांदनी में, क्या चीज है मोहब्बत। जब दिल की धड़कनों से होते हैं राग पैदा, दिल दिल से मिलके जिस दम करता है आग पैदा, करता है आग पैदा, किस्मत हो उन दो दिलों की किस्मत, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे। क्या चीज है मोहब्बत, क्या चीज है मोहब्बत, मोहब्बत
कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे क्या चीज है मोहब्बत। क्या हुआ? पाँव में कांटा चुभ गया। किसी की चिट्ठी खोलकर पढ़ ली होगी। लाओ किसकी चिट्ठी है? ये दीपक बाबू की चिट्ठी है। फिर उसी पुराने दोस्त की चिट्ठी आई। हाँ, उसी की। क्या लिखा है? बुलाया है आपको? हाँ। जाइएगा? जाना ही होगा, किसी का दिल तोड़ना बुरा होता है। क्या आप दिल तोड़ने का मतलब समझते हैं? रानी, तुमने ये सवाल क्यों किया? मैं कुछ कहना चाहती थी। कहो, क्या बात है? दीपक बाबू, कहना तो बहुत कुछ था मगर दिल की बात जबान पर नहीं आती। मेरा ख्याल था अब तू यहीं रहेगा, बाप का इतना बड़ा कारोबार आसानी से संभल जाता। मैं भी तो कारोबार ही के लिए जा रहा हूँ माँ। वापिस कब आएगा? बहुत जल्द लौटाऊंगा। अच्छा बेटा जा, भगवान तेरी रक्षा करे। जहाँ भी रहना बुराई से बचना और खानदान की इज्जत का ख्याल रखना। और हाँ, चिट्ठी बराबर लिखते रहना। तुम चिंता ना करो, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। जुग जुग जियो मेरे लाल, फूलो फलो। तुम यहाँ खड़ी हो? आप जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा। आप? हाँ कहो। आपने कहा था आप इसलिए जा रहे हैं कि किसी का दिल तोड़ना बुरा होता है। हाँ रानी, मैं इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा जरा ठहरिए दीपक बाबू। क्या कहना चाहती हो रानी? दीपक बाबू, आपको जल्द वापस भी आ जाना चाहिए, अगर किसी और के दिल टूटने का ख्याल ना हो तो माता जी के ख्याल से ही जल्द आ जाइएगा। हाँ हाँ, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। सुना है बंबई बड़ी रंगीली बस्ती है, वो अपने सुंदर जाल से किसी को भी नहीं निकलने देती। मेरा दिल इतना कमजोर नहीं, लेकिन कोई दूसरा आपको अपनाने की कोशिश करे तो? तो क्या यह जरूरी है कि जब मुझे अपनाने की कोशिश करे मैं भी उसे अपना बना लूं? अच्छा मैं जाता हूं। सुनिए, अगर कभी फुर्सत मिले तो अपनी इस छोटी सी बस्ती और बचपन के साथियों को याद कर लीजिएगा। बंबई की उजली रातों में अगर कभी हिचकियां आ जाएं, तो समझ लीजिएगा
आपके देश की अंधेरी रातों में कोई मजबूर आपको याद कर रहा है। छोटे बाबू, गाड़ी का ट्रेन करीब आ गया है। अच्छा रानी, मैं जाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। करमचंद जी, इसलिए जा रहे हैं आप मुंबई? हाँ भाई, क्या करूं, बड़ी तारीफ सुनी है इस डांसर की, बुलावे के खत भी बहुत आ चुके हैं, अब मजबूरन जा रहा हूँ। शेर जी, ये डांसर भी खूब नाचती।
हाँ खूब नाचती है और इसका तो जवाब ही नहीं। और साथ साथ नचाती भी खूब है। जी क्या फरमाया आपने बिहारी? अजी मैंने कहा ये औरतें मर्दों को नचाती भी खूब है। हाँ हाँ वो अंग्रेजी टाइप से कमर में हाथ डाल के नचाती है ना। अजीब भला इनको कमर में हाथ डालने की क्या जरूरत है, ये तो अपने इशारों पर नचाती हैं। ओ बहुत खूब। अजी आपको तो इन बातों का बहुत तजुर्बा है, आप भी चलिए ना हमारे साथ बंबई। नहीं सेठ जी पहले आपको रास्ते में उतरना होगा। ये क्यों भाई? किस्मत से इतनी मुद्दत के बाद आप मिले हैं, आपको हमारे यहाँ एक दो रोज जरूर रहना होगा। मगर सुनिए तो इन्हें खतना में आज की तारीख लिख चुका हूँ, ये बेचारी स्टेशन पर आने वाली है। ये मैं कुछ नहीं जानता। पारकर बाबू आए हैं। आने दो। I'm a jolly good fellow, I'm a jolly good fellow, I'm a jolly... ओहो आइए आइए मिस्टर पार्कर, तशरीफ रखिए। मैंने कहा आज ये बिजली किस बाग को उजाड़ने जा रही है? बाग खुद ही उजड़ने आ रहा है। सेठ करमचंद का नाम सुना है? करमचंद क्या कोई नए फंसे हैं? अजी नए भी ऐसे कि अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई। ओह तो गोया अभी तक कागजी लव यानी प्रेम चल रहा है। अजी प्रेम प्रेम कैसा? मतलब ये कि तीर फेंका जा रहा है। अच्छी बात है साहब, हमें भी अब किसी दूसरे रजिस्टर में नाम लिखवाना पड़ेगा। आपका तो ना जाने कितने रजिस्टर में नाम लिखा हुआ होगा। बात तो माकूल है, जिस तरह हर साल नए चांद पर अपना रजिस्टर बदलता रहता है उसी तरह हमें भी जब नया चांद दिखाई देता है तो हम भी अपना पुराना रजिस्टर बदल दिया करते हैं। मालूम होता है आपको कोई नया चांद दिखाई दे गया है। अच्छा खैर इन बातों को जाने दो, आप जल्दी जाइए वरना आपका चांद कहीं बादलों में छुप ना जाए। हाँ 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 ट्रेन का टाइम भी हो रहा है। ए चांद छुप न जाना। ए चांद क्या बात है बेटा इतनी परेशान क्यों? देखिए ना पिताजी फ्लोरा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटी, हालांकि मैंने उसे कह दिया था कि 10 बजे मुझे स्टेशन जाना है। तुम तो उसकी आदत को जानती हो बेटा, अगर ज्यादा जल्दी हो तो आया को भेज के टैक्सी मंगा लो। भेजा है आया को। अच्छा मैं देखता हूँ। टैक्सी नहीं मिला मैम साहब। मीम साहब की बच्ची दोस्तों मिलने आई थी। नमस्ते। नमस्ते। आप? मैं आप ही को लेने को आई हूँ। जी शुक्रिया, मैं भी आप ही को ढूंढ रहा था। कुली कुली सामान उठाओ। Thank you.
दिल से दिल को राह होती है। देखिए हमने एक दूसरे को कितनी जल्दी पहचान ली है। जी हाँ, उम्मीद तो ना थी कि इतना बड़ा मसला इस आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन भला हुआ आपके दोस्त का जिन्होंने आपको आवाज देकर हमारी मुश्किल आसान कर दी। हेलो मिस बीना। हेलो मिस्टर राज, आप पुलिस में कब से? काली छोड़ने के बाद इसी लाइन में आ गया था। बहुत मुद्दत के बाद आपसे मुलाकात हुई। जी आइए चलिएगा। शुक्रिया, मैं तो ड्यूटी पर हूँ। अच्छा नमस्ते। तेरे ख्याल को दिल से लगाए बैठे हैं हम, इंतजार की दुनिया बसाए बैठे। इंतजार में तो आंखें आंसुओं में डूबती जा रही थी। यहाँ किसी की आंखें डूबती रही हैं, वहां किसी का दिल डूबता रहा है। चलिए दोनों डूबने से बच गए, किनारा पा लिया हमने। मगर कभी कभी कश्तियां किनारे आकर भी डूब जाया करती हैं। अरे छोड़िए भी इन बातों को, हम इन तूफानों से नहीं डरते। सीनों में जो तूफान उठते हैं हम उनमें भी किनारा पा लिया करते हैं। बहुत खूब, इंसान को कभी मायूस ना होना चाहिए। मुझे देखकर शायद आपको मायूसी हुई होगी। ये किस लिए? आपकी आंखों का हुस्न भला मुझे क्या खातिर में ला सकेगा? मगर आपकी आवाज का हुस्न जादू से कम नहीं। अजी आपकी तो बातों में जादू का असर है। अजी मेरी बातें भला आपके गले के हुस्न का क्या मुकाबला कर सकती हैं? आपका मतलब है सुराहीदार गर्दन है मेरी। रहने भी दीजिए, बस शायरी मत कीजिए। मेरी शायरी में भी तो आप ही ने जान डाली है। सच है आपके ऊँटों पर शेर नहीं,
बल्कि शायर के अरमान मचलते होंगे। ओफो, अब तो आप मेरे होंठों की भी तारीफ करने लगे। गाना तो क्या, हाँ जब घुंघरू के झंकार पे मेरे पाँव मचलते हैं तो लाखों के अरमान जरूर मचल जाते हों। अच्छा तो आप डांस भी जानती हैं? बातें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। कल ही है मेरे डांस का प्रोग्राम, देख लीजिएगा। तोरे नैनवा तोरे नैनवा, ओ तोरे नैनवा तोरे नैनवा, हुए सब दिल के पार हाय, हुए सब दिल के पार हाय, तैया 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 हुए सब दिल के पार। जी हाँ हाँ जरूर, जरा सुन लो हुजूर, तू मेरी मैं हूँ तेरा, तू मेरी मैं हूँ तेरा, फिर क्यों हो दूर, करो वादा हुजूर। जी हाँ हाँ जरूर, करो वादा हुजूर, दो दिल का मेल पड़ा ना दुख था, खेल गई तुझसे मैं हार, आज हुई नैनों की घात, कोई खाए न मात। जी हाँ हाँ क्या बात, कोई खाए न मात, तू मेरे साथ पिया, तू मेरे साथ पिया, मैं तेरे साथ रहे हाथों में हाथ। जी हाँ हाँ क्या बात, रहे हाथों में हाथ, ना संग कहीं लाए ना रंग, तेरा मेरा ये प्यार है, ओ तेरा मेरा ये प्यार है, तैया 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 तेरा मेरा ये प्यार, मोरे पालमा, तोरे नैनवा तोरे नैनवा, हुए सब दिल के पार है, जरा यहाँ वेट मारो, हम इस डांसर को मुबारकबाद देकर आता है। हाँ कम सुन, हम जस्ती वेट नहीं करेगा। नहीं नहीं हम बहुत जल्दी आ जाए, घबराओ। बहुत खूब, वाकई कमाल कर दिया आपने। मुझे नहीं मालूम था कि आप नाच भी इतना अच्छा जानती हैं। निगाहें आपके पैरों का साथ ना दे सकती थी। बस ज्यादा तारीफ मत कीजिए, नहीं तो नजर लग जाएगी मुझे। आप कहाँ जा रहे हो? शायद आप कहाँ जा रहे हो? वाह वाह मिस बीना कुमारी, आज तो तुमने ऑडियंस को भी अपने साथ नचा दिया। ऐसा मालूम होता था कि इंद्र की परी स्टेज पे उतर आई है। शुक्रिया मिस्टर पार्कर, आपसे मिली, आप मेरे मेहमान हैं। ये आपके मेहमान हैं? आप तुम जी, आपका नाम मिस्टर पार्कर है? पार्कर जी, पार्कर नहीं, पार्कर नहीं तो आपका जो जी चाहे वो समझ लीजिए, लेकिन भैया जो कुछ तुम समझ रहे हो वो ठीक समझ रहे हो। बहुत खूब, पहचानने की कोशिश हो रही है, मालूम होता है आप लोगों ने पहले एक दूसरे को कहीं देखा है।
अजी साहब देखा क्या है, ये तो मेरा बचपन का दोस्त। अजी आपका क्या, जो सेठिया मिला वही बचपन का दोस्त हो गया। खैर कोई हर्ज की बात नहीं, कल सुबह चाय पर आइए और अपने बचपन की दोस्ती खूब निभा लीजिएगा। ख्याल अच्छा है। अरे यार ये सब तुमने पहले क्यों ना बता दिया, मैं अब तक बेकार धोखा खाता रहा। ये तो खैर हुई कि जल्द ही पता चल गया, अब तक तो सिर्फ धोखा खाते रहे, आगे चल के न जाने क्या क्या खाना पड़ता। हाँ। ओ आइए उठो यार उठो। आप लोग इंतजार किसका कर रहे हैं, शुरू कीजिए। इंतजार तो आप ही का था, आपके हाथों की चाय जरा ज्यादा मजेदार होती है, और कोई बात नहीं। शकर शकर, आपके होते हुए शकर की क्या जरूरत। लीजिए सेठ साहब। सेठ साहब, अरे यार बंबई में पान वाले को भी सेठ कहते हैं। सेठ जी आपकी तो बंबई में भी बिल्डिंग होगी ना। अजी साहब एक बिल्डिंग, शायर तो सारी दुनिया का मालिक होता है। तो क्या आप सचमुच शायर भी हैं? जी हाँ, जब कभी जिंदगी ठोकर खा जाती है, जब कभी पांव गलत रास्ते की तरफ उठ जाया करते हैं, उस वक्त शायरी भी कर लिया करता हूँ। बहुत खूब बहुत खूब। ये शेर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। माफ कीजिएगा मैं अब। कोई सेठ जी आए। अमा ये बम्बई है बम्बई, यहाँ तो हर जगह क्यों लगती है, ट्राम के लिए क्यों, बस के लिए क्यों, घास लेट के लिए क्यों, और इस किस्म की डांसरों के यहाँ सेटों की क्यों। ओ नमस्ते बीना कुमारी जी। नमस्ते सेठ जी, तशरीफ रखिए। आप तो शायद नाराज होंगे मुझसे। चलो यार तुम घाटे में नहीं रहे, दो चार रोज दावतें तो उड़ाने को मिल गई। और हाँ जरूर खाएंगे। वाह अरे आ गई आ गई। शेर साहब मेरे खास मेहमान आ गए हैं, अगर आप बुरा ना माने तो अपने दोस्त के यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहर जाइए। बहुत खूब, मेहमान आपके और ठहरा रही है हमारे यहाँ, आखिर कुछ राशन वाशन का बंदोबस्त। मजाक छोड़िए मिस्टर पार्कर, भला आपके यहाँ किस चीज की कमी। कमी तो सिर्फ जोरों की है, बाकी तो सब खैरियत है। चलिए सेठ जी, मिस साहबा भी क्या याद करेंगी कि किस रईस से पाला पड़ा था, बड़े बेआबरू होकर तेरे टेबल से हम उठे। एक केक। मकान तो बड़ा शानदार मालूम होता है। अरे भैया जरा अंदर चल के देखो तो पता चले। पार्कर साहब, ओ पार्कर साहब। ओह तुम अंदर चलो, मैं भी आया। अरे काई कुछ चिल्लाती है, काई कुछ चिल्लाती है। बहुत दिन झाले, अंडे वाले का पैसा दे दो, अंडे वाला बम मारतो है बम। हाँ बम मारता है बम। अरे पर तू काई को बम मारती है, तुझे तो हमेशा पैसों की पड़ी रहती है, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं करता है। अरे एक ऐसी मुर्गी फांस के लाया हूँ कि रोज सोने के अंडे देगी, सोने के अंडे। अगो भाई सोने के अंडे। हाँ अगो भाई सोने के अंडे। बड़ी जाओ सामान अंदर लेके आ, नहीं बोला ला लिया आजकल। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार उस कुर्सी पे क्यों बैठते हो, इस कुर्सी पे बैठो। तुम सोच क्या रहे हो? मैं सोच नहीं रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम जैसे फैशन परस्तों की जिंदगी भी ऊपर से कितनी सुथरी और अंदर से कितनी गंदी होती है। अरे यार मैं तो ये समझा कि ये बंगला तुम्हें पसंद आएगा, क्योंकि खास करके ये तुम लोगों का टाइप है। मालूम होता है तुम शायर वायर नहीं हो भैया। तुम ठीक कहते हो, मैं कोई बरसाती शायर नहीं कि तुम्हारी शायराना जिंदगी को अपना लूं। यार तुम्हारा तो बस वही हिसाब मालूम होता है कि कटी उम्र होटलों में और मरे अस्पताल जाकर। तो गोया तुम इसे होटल समझ रहे हो? होटल भी होता तो गनीमत था, मगर इसे तो धर्मशाला या भटियार खाना ही समझ लेना चाहिए। फैशन के सांचे में ढलकर तुम अपने गाँव की सादगी को भूल गए, जिसने तुम्हें जन्म दिया तुम उस मट्टी को भी भूल गए। अरे यार मट्टी से तो सब पैदा होते हैं, लेकिन विलायत की मट्टी जरा चिकनी है चिकनी, और तुम इस चिकनी मट्टी पर फिसल गए। क्या करें यार, अगर गांव को या गांव वालों को भूल चुके थे तो कम से कम अपनी बहन रानी को तो याद कर लिया होता।
आपने जाते समय कहा था, कोई अपने घर को नहीं भूला करता, मगर आप तो घर को भी भूल गए और घर वालों को भी भूल गए। कोई चिट्ठी तक नहीं भेजी। सच है, बंबई बड़ी रंगीली बस्ती है। रानी बिटिया, चिट्ठी ले जा। किसकी चिट्ठी है? कहां से आई है? बंबई से आई है। माधव काका नमस्ते। माधव काका, तुम्हारी चिट्ठी भूल में खोल ली थी मैंने। कोई बात नहीं बेटा। भूल बैठे हो, तुम्हें हम याद
तुम्हें हम याद करते हैं। बीना जी। पिताजी कहाँ जा रही हो बेटे? पिताजी जरा रेडियो स्टेशन जाना था। जरा जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर दिल बहुत घबराता है। बहुत अच्छा पिताजी, जल्दी लौटूंगी। ये प्रोग्राम तो आज ही भेज दो। आइए मिस बीना, तशरीफ रखिए। आपकी आखिरी गजल तो बहुत ही कामयाब रही। ये देखिए आपके तारीफों के खतूत। इन्हें तो मैं पीछे देखूंगी, पहले मुझे ये बताइए मुझे यहाँ कोई मिलने तो नहीं आया था? जी नहीं। अच्छा, अगर कोई आए तो मेहरबानी करके आप उनसे उनका एड्रेस ले लीजिए। बहुत बेहतर। यार मुहूर्त तो अच्छा हुआ, आसार कुछ अच्छे नजर आते हैं। माफ कीजिएगा सर, आंखें खोलकर चलिए। आंखें तो दोनों खुली थी लेकिन एक बिजली से चमक गई, दोनों आंखें बंद हो गई। बदतमीज कहीं का हाथ दे। बड़े बदतमीज है पार्कर, हर किसी को छेड़ दिया करते। अमा बगैर छेड़े तार से राग नहीं निकला करते, जरा समझो। आओ यार, कान पे से गोली निकल गई, अगर जरा जल्दी पहुंचते ना तो बिना से मुलाकात हो जाती। खैर कोई बात नहीं, अरे ढूंढने से तो गॉड भी मिल जाता है। पता तो छोड़ी आए हैं, मुझे यकीन है कि वो मुझसे मिलने जरूर आए। देखो शायद यहीं कहीं मिल जाए, यहाँ भी हर किस्म हर टाइप के आदमी आते हैं, ये मुंबई का मशहूर तफरी गाह है। यार ये क्या कह गई? अजब आदमी हो। ऑल राइट तो तुमने कह दिया और समझे खाक भी नहीं, ये कुछ जल्दी में कह गई, पल्ले नहीं पड़ा। ये तुम्हें अपने बर्थडे पर इनवाइट कर गई। ओ अपने बर्थडे पे इनवाइट की? अरे पर 2 महीने पहले उसके बर्थडे में मैं गया था। तो भाई ये तुम ही समझो, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा तो शायद कड़काई आ गई। हुई कड़काई? ये कड़काई क्या चीज? ये जरा पैसे वैसे नहीं होते, नो मनी, तो ये लोग पार्टियां दिया करते ताकि हम लोग प्रेजेंट दें। तो यही तुम्हारा बम्बई? हाँ ये हमारा बम्बई है। देखा ये है बम्बई, थोड़ी देर बैठ जाए, क्या ख्याल? ख्याल तो अच्छा है। ये गॉगल्स भूल गई हम, मैं लेके आता हूं। मेरी साड़ी का पल्लू क्यों खींचा? अजी मैंने कहा खींचा, मैं तो आपके ये गॉगल्स वापस करने। मैं तो क्या, इसीलिए बाग में घूमने आते हो? आप बेकार मुझसे उलझ रही, आपकी साड़ी का पल्लू तो खुद ही उलझ गया था। बातें बनाते शर्म नहीं आती? तुम लोगों का काम ही क्या है इधर उधर घूमना, अशरीफ लड़कियों को छेड़ना, बदमाश कहेंगे। बदमाश? अजी साहब बदमाश सिर्फ साड़ी का पल्लू खींच कर गपचुप नहीं बैठता। चुप रहो, बदतमीज कहेंगे, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाती हूँ। यार ये बहुत तीखी मालूम होती है, तीखी। चुप रहो, बदतमीज कहेंगे। ये लव लेटर किसे लिखा जा रहा है भैया? मालूम होता है किसी और जगह इश्कियाना शुरू कर दिया है तुमने। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, बात आम है। मालूम होता है तुम्हें भी शहर की हवा लग गई है। वही मिसाल हुई कि तुम नहीं और सही और नहीं और सही। तो ये कहो कि तुम मेरी मोहब्बत को भी अपनी मोहब्बत समझते हो, जो हर रोज सूरज चूपते शुरू होती है और सूरज निकलते खत्म हो जाती है। लव उसी को कहते हैं माई डियर, हर रोज मोहब्बत की डायरी का पुराना वर्क बदल देना चाहिए। मोहब्बत की नहीं हो जाया करती, और जो की जाती है वो मोहब्बत नहीं आवारगी है।
हम जो करें वो आवारगी है, तुम जो करो वो मोहब्बत है। अरे तुम मोहब्बत को क्या समझो, मोहब्बत मट्टी का घरौंदा नहीं जो एक हाथ से बनाया और दूसरे हाथ से बिगाड़। अच्छा बाबा अच्छा, तुम्हारी मोहब्बत जीती, हमारी मोहब्बत शॉर्टेट से हार गई, बस खुश हम जाते हैं। अच्छा देखो रास्ते में खत डाल देना। ये खत डाल देना, अच्छा डाल देते हैं भाई। अरे मुझे भी तो सुना चिट्ठी में क्या लिखा है। चाची जी प्रकाश भैया का पता चल गया। प्रकाश का पता चल गया? हाँ वो बंबई में है। और सुनिए चाची, मैं प्रकाश ही के साथ रहता हूँ, दीपक बाबू प्रकाश भैया के साथ रहते हैं। अच्छा तो है, दोनों बचपन में साथ साथ खेल भी तो चुके हैं। और प्रकाश ने अपना नाम पारकर रख लिया है। पारकर? अरे ये कैसा नाम है, कहीं क्रिस्टान तो नहीं हो गया? न जाने नाम भी बदल लिया है। और सब खैरियत है, अपना पता भेज रहा हूँ। नमस्कार, आपका सेवक दीपक। चाची जी मैं भी बंबई जाऊंगी प्रकाश भैया के पास। अरे चलिए जाना, मगर प्रकाश भैया क्यों कहती है, पारकर भैया कहो, पारकर भैया। हेलो गुड़िया मेन साहब। गुड़िया मेन साहब। ये क्या करता? अरे ये सेंट है हिंदुस्तानी, गुलाब का अत्र बहुत अच्छा है। ओह थैंक यू, इट्स ऑलराइट। अरे अरे तुम कहाँ जाता है? हमको बाहर जाना है। अरे जरा मेन साहब से कह दो ना हम आ गए हैं। नहीं हम तुम्हारा काम नहीं करेगा, रोज रोज काम कराता कुछ बख्शीश भी नहीं देता। अरे ये क्या कहती हो, हम अपनी जान तुमको बख्श दिए और तुम कहती हो कि बख्शीश नहीं देता। ये लो चवन्नी 4 NS और मेन साहब से कह दो कि हम आ गए हैं। थैंक यू। 4 आने में काम हो गया, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेल क्या बात है? साहब कुछ ज्वेलरी लाया हूँ। ज्वेलरी लाया? तुम ज्वेलर है? हाँ साहब मैं ज्वेलर हूँ। मालूम तो कोई फटीचर दिखता है, कोई चोरी वोरी का तो माल नहीं? क्या बात करते हैं साहब, देखिए तो सही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बिल्कुल नया फैशन का माल है। अम्मा यार बंबई में न जाने कितना फैशनेबल माल पड़ा हुआ है, मगर हाथ एक नहीं लगता। लगता क्यों नहीं साहब, जरा हाथ बढ़ाकर तो देखिए। आदमी तो तुम समझदार मालूम होते हो। ज्वेलर अगर ये तुम्हारा सब बिकवा दे तो कुछ कमीशन का आसरा होगा? ये क्या बात करते हैं साहब, ये कौन सी बड़ी बात है। हेलो पार्क डियर, कम इन। कमिंग डियर, कमिंग। देखो तुम यहां ठहरो, हम अभी तुमको बुलाता है। हेलो फ्लोरा। हेलो डियर पार्क, आज हमारा मम्मी का बर्थडे है और हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। अच्छा, अरे वाह बड़ी खुशी की बात है। हेलो मम्मी डियर। हेलो पापा, हाउ आर यू? बहुत अच्छा मम्मी, सिट डाउन। थैंक यू माय प्रिटी गर्ल। मम्मी मैंने आपके बर्थडे के लिए खास एक हिंदुस्तानी टाइप का हार लाया है। थैंक यू, किधर है वो? ज्वेलर इधर ही है। ज्वेलर इधर आओ। यस सर। मम्मी मैंने ऐसा हार जिंदगी में नहीं देखा था और जब देखा तो मेरी आंखें फड़क उठी। सलाम करो। किया सर। जल्दी जल्दी निकालो। जी। बड़ा मजेदार, ये नहीं जो हमने देखा था। हाँ ये मम्मी ब्यूटीफुल। ओह इट्स लवली। मम्मी इस हार के बगैर तो आपकी बर्थडे पार्टी बेकार है। आहा वंडरफुल। हैव
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tracy. Happy birthday to you. Thank you. Help yourself, please. आओ डार्लिंग, आज हम तुम डांस करेंगे। डियर, तुम्हें मालूम है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। पिताजी, मेरे सर में जरा दर्द है, मैं जाऊं? अच्छा बेटे, जाओ, आराम करो। देखा दीपक, हमारे बंबई में पार्टियां होती हैं, आओ। तशरीफ लाइए। सेठ जी, आप हैं सेठ ज्वाला प्रसाद जी और ये मेरे दोस्त दीपक। जी मेहरबानी। सेठ मुंबई के बहुत बड़े रईस है। हाँ, और ये सब रौनक आप ही के दम से है। ये मेरे दोस्त नए नए बम्बई में तशरीफ लाए हैं। इनके पिताजी कस्बा करनपुर के बहुत बड़े जमींदार थे। हेलो बॉस डियर, लेट्स डांस, कम ऑन। एक्सक्यूज मी, आइए तशरीफ। जी बैठ। रखिए, आपके जाने के बाद एक साहब आपको पूछने के लिए आए थे, ये उनका पता है। शुक्रिया। दीपक। कैसे, आज आप कार नहीं ले? कार आज पिताजी ले गए। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू। ये तो सचमुच पुलिस ले आई। ए भगवान, मैंने इसे बुरे दिल से नहीं छेड़ा था, सच्चे दिल से छेड़ा था। मेरी लाज रख। ए मिस्टर, भगवान। ओ, आप हैं? अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे मिजाज है आपके? यहाँ आप रहते हैं? यहाँ पता नहीं कौन रहता है, मैं भी कभी कभी रह लिया करता हूँ और जो आता वो भी रह जाता है। असकस्मत होटल सराय, बस ये समझ लीजिए कि हर भूले भटके मुसाफिर को पनाह मिल जाती है। और कहिए मैं आपकी क्या खातिर कर सकता हूँ? चाय, सोडा, लेमन, पान, बीड़ी, माचिस, क्या पेश करूँ? क्या बकवास लगा रखी है, जो पूछा जाता है उसका जवाब दो। ये पता इसी घर का है? दीपक, मकान नंबर 11। रॉन्ग, ये पता भलता दे दिया है किसी ने आपको। यहाँ तो कोई दीपक नाम का आदमी पैदा ही नहीं हुआ। हो सकता है कि आने वाला हो या आकर चला गया हो या पैदा होकर मर चुका हो। आप आदमी हैं या जानवर? अगले जन्म में शायद रहा हूं या हो जाऊं। इस वक्त तो आदमी ही दिखाई देता हूँ, कोट पाटरून वाला। और देखिए साहब, न मैं किसी दीपक का पतंगा हूँ और न किसी पतंगे का दीपक। आप मेहरबानी करके ये पता रिन्यू करवा लाइए और फिर देखा जाएगा। इडियट। चलिए सर, ये पता गलत हो गया होगा। बेटा पार्कर, आज घर में ही रहो। हाँ, दिन खराब है। उफ, जान बची लाखों पाए, खैर से पार्कर घर को आए। आज का मुहूर्त बड़ा गंदा था। गंगू, तुम कहाँ जा रही हो? भाजी लाने। भाजी? अब तक भाजी घर में नहीं आई, खाना कब पकेगा क्या मालूम।
पाहिजे तुला? प्रकाश बाबू यहाँ रहते हैं? इकड़े प्रकाश विकाश कोई नहीं, इकड़े तो पार्कर साहब रहता। हाँ हाँ, मुझे पार्कर साहब से ही मिलना है, मैं उनकी बहन हूँ। ओए का थाम, अत्ता बोलो के। साहेब कौन है? कोई आईला है। अरे कोई नई मुसीबत आई है, जाओ कह दो हम नहीं, जाओ 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 कह दो हम किसी नहीं मिलना चाहते। तुमसी बहन आईला है? हमारी मेरी बहन रानी? वो आईला नहीं आईली है, आईला है। रानी तुम? प्रकाश भैया। तुम अकेली आई हो? हाँ भैया। आओ आओ अंदर आओ, रानी बहन आओ। आशा आओ अंदर आओ। भैया मेरा सामान? सामान गंगू ले आएंगी, गंगू सामान अंदर ले और गाड़ी वाले को पैसे दो। आओ आओ। पैसा दो, गाड़ी वाले ला पैसे दिले तो भाजी कुटून येणार। तुम्हें घर का पता कैसे चला रानी? दीपक बाबू ने खत में लिखा था। अरे आने से पहले खबर तो करती। आओ बैठो। अरे तुम्हारा बदन तो गर्म है, बुखार मालूम होता है। रास्ते का पानी बदला है ना। भैया दीपक बाबू कहाँ है? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा, तुम्हारे आने से पहले अभी डॉक्टर गया है। जी क्या तकलीफ है आपको? क्या बताऊं, वो तकलीफ है कि भगवान किसी को न दे, अपने ही हाथों ये रोग लगाया है। ग्रेसी जरा चाय भिजवा दो। चाय तैयार है मगर आया बाहर गया है, तुम्हारा डॉटर भी नहीं है। बीना तुम्हारा डैडी टी मांगता है। अच्छा तो क्या पिताजी की दूसरी शादी में आप भी आए थे? हाँ मैं भी शरीक हुआ था, उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। तो आप हमारे घर भी हुआ है? हाँ दो तीन बार गया। अच्छा आओ बेटी। अरे तू मेरी चाय के लिए नमक तो लाना भूल ही गई। अभी लाती हूँ। बगैर नमक के चाय मुझे अच्छी नहीं मालूम होती। बेटी जरा सुनो तो। जी पिताजी। जरा बिस्किट वगैरह भी दे दो। बहुत। चाय भी बना दो बेटी। ये लीजिए आपकी प्याली। ओहो बहुत नमक डाल दिया बेटी। लाइए मैं दूसरी बना देता हूं। नहीं नहीं ठीक, ये मेरी बेटी बीना है। बीना नमस्ते। नमस्ते। गाने का बहुत शौक है, रेडियो पर भी गाया करती थी। रेडियो पर गाया करती थी? बीना नाम है इनका? हाँ हाँ। तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हुआ? मैं तो यही पूछ रहा था, मैंने इनका गाना कई बार सुना है, वाकई बहुत अच्छा गाती हैं। सभी तारीफ करते हैं मगर मैंने अब इसका गाना कम करा दिया है, सेहत गिरती जा रही थी। जी अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। जाओगे? अच्छा जब भी वक्त मिला कर आ जाया करो।
ये तुम्हारा ही घर है। जी हाँ जरूर, अब तो आता जाता रहूंगा। नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते मीना कुमारी जी। नमस्ते। आप तो बहुत ज्यादा नाराज मालूम होती हैं। आखिर आप चाहते क्या है? नमक का हक अदा करना चाहता हूँ, हालांकि खा नहीं सका जी। मिस्टर दीपक को तो आप जरूर जानती होंगी। कौन दीपक? वही बेचारा गरीब शायर जिसकी गजलें और गीत आप अक्सर रेडियो पर गाया करती। आपको उनसे क्या मतलब? मतलब तो आजकल उनको मुझसे है, वो मेरे पुराने दोस्त हैं और आजकल मेरे घर पर ठहरे हुए हैं। मेरे ही घर पर ठहरे हुए हैं। चलिए मुलाकात करा दूं। अच्छा, तो अब आप इस बहाने मुझे धोखा देना चाहते हैं। जाइए मिस्टर दीपक, आप जैसे तो यहाँ कभी नहीं ठहर सकते। खैर साहब, आप मानिए ना मानिए आपकी मर्जी, मुझे तो वो आपकी चिट्ठियां भी दिखा चुके हैं। मेरी चिट्ठियां? देखिए, ये भी शायद आप ही के हाथ की लिखी है। ये आपके पास कहां से आई? अजी, ऐसे ना जाने कितने और लेटर्स दिखा सकता हूँ। समझी, आप कोई ब्लैकमेलर मालूम होते हैं। अजी साहब, ब्लैकमेलर, आवारा, बदमाश, जो जी चाहे समझ लीजिए, मगर अब माफी मांगनी होगी आपको। किस बात की माफी? यही चाय में शक्कर की जगह नमक डालने की, बदतमीज, बदमाश, ब्लैकमेलर के जुर्म लगाने की। मैं माफी वाफी नहीं मांगूंगी, आप चले जाइए यहाँ से। जाऊंगा कहाँ साहब, सबसे पहले तो ये खत आपके पिताजी को दिखाना है। जरा सुनिए तो। फरमाइए। अगर मैं माफी मांग लूं, तब तो मुझे ये चिट्ठी वापस कर देंगे? बेशक, जरूर दे दूंगा। अच्छा, तो मैं माफी चाहती हूँ। ऐसे नहीं, आप ये कहिए कि आइंदा ऐसी गलती कभी ना होगी। आइंदा ऐसी गलती कभी ना होगी। ठीक है, अब तो दीजिए मेरी चिट्ठी। अजी जाने भी दीजिए, ब्लैक मेलर किस्म के लोग भला ऐसे खत वापस किया करते हैं? अच्छा, नमस्ते। सुनिए तो। पिताजी, ये जो अभी अभी आपसे मिलने आया था, ये कौन है? मेरे दोस्त किशोर बाबू का लड़का है, बहुत शरीफ है बेचारा। जी हाँ, बहुत शरीफ है। क्या करते हैं ये? बंबई नया नया आया है, इसके पिता कस्बे करनपुर के जमींदार थे। करनपुर के जमींदार? क्या नाम है इनका? इसका नाम दीपक है बेटा। दीपक? प्रकाश? साहब बहादुर अभी तक सो रहे हैं। प्रकाश, अरे खुशखबरी तो सुन। अरे रानी। दीपक बाबू, तुम कब आई? बहुत देर हुई आए हुए। घर में सब लोग तो अच्छे हैं? जी, चाची जी भी अच्छी हैं। अच्छी बात। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। प्रकाश कहाँ है? जी, वो डॉक्टर को बुलाने गए हैं। डॉक्टर? अरे तुम्हें तो बुखार है, आराम से सो जाओ, सो जाओ। बैरिस्टर होने के अलावा आप तो मेरे पुराने दोस्त भी हैं। बीना जिस तरह मेरी बच्ची, उसी तरह आपकी भी। मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद
कानूनी तौर पर आप उसकी कोई हकदल्फी नहीं होने देंगे। अरे ये आप क्या फरमाते हैं, भगवान करे आप बहुत दिन जिंदा रहें, और फिर मेरे होते हुए आप फिक्र क्यों करते हैं, बिना मेरी अपनी ही बच्चे की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अब मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत अच्छा। How are you, my dear? ओहो, तुम हमारी खैरियत पूछ रही हो, क्या बात है? बात क्या होता, तुम हमारा हस्बैंड नहीं है क्या? हमको तुम्हारा बहुत फिक्र है। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये मेडिसिन पी लो डार्लिंग। थैंक यू। डियर, तुमने हमारा बर्थडे पर जो ऑर्नामेंट्स लिया था ना, उसका बिल देना बाकी है। तुम सीख था इसलिए हम नहीं बोल सका। चोला आया है, उसका बिल चुका दो ना। इस वजह से मेरी खैरियत पूछी जा रही थी। अच्छा चेकबुक ले आओ। हम लाए डियर। Thank you, darling. You are sweet. Oh, Mr. Jeweler, इधर आओ। Yes, ma'am, sir. ये लो 2000। और बाकी रकम मैम साहब? वो बाद में देगा, अभी ये ले जाओ। क्यों गुड़िया मैम साहब, तुम कैसा है? जाओ, हम तुमसे बात नहीं करता। तो बात नहीं करता तो मत। ओहो, दो ही मीटिंग में ये हालत है, मालूम होता है तुम भी दाना फेंकना सीख गई हो। अरे डार्लिंग, हम पूछता है कि तुम्हारा मीम साहब किधर है? हम कुछ नहीं बताएगा, तुम हमको खाली पीली धोखा देता है। उस दिन हमको खोटा चारना दिया था। अरे माई डियर, हमारा लवी खोटा है, अभी तुमको अच्छा लो बन गया काम, अब तुम्हारी सारी खोटी चवन्नियां खरी किए देता हूं। अरे चोर 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 साहब। क्यों जी, चुपके चुपके कहां जा रहे हो? नहीं साहब। साहब आपकी बातें छोड़ दो, वो 3500 का कमीशन निकालो, देखें हाथ हो जाता है। अभी तो सिर्फ 2000 ही मिला है। 2000 मिला है? हाँ। तो निकालो 100 का नोट। 100 का नोट? हाँ। मगर मगर पानी में, अगर मगर की बात रही तो फिर 1500 से हाथ धोना पड़ेगा। सुनिए, आप तो खामखा नाराज हो गए हैं। नाराज होने की बात है, कोई राजी करने की बात नहीं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये लगता रुपया मिल गया ना? अब कोई बात हुई ना? क्यों बंद कर दिया? फ्लोरा आओ डांस करें, हम आ गए। आओ। नो नो नो, हम तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगा, और हम तुम्हारे साथ बाहर भी नहीं जाएंगे। अरे रे, ऐसा मत कहो कि हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा गुनाह किया जो तुम इतना खफा हो हम पर। आओ फ्लोरा, आओ नाचे फ्लोरा। फ्लोरा, तुम रोज हमारा पैसा खर्चा करते हैं और अपना 100 रुपया का नोट दिखाते भी नहीं, तुम बड़ा बंडल है। हाँ देखो मिस्टर, तुम बंडल बंडल किसको बोलता है? 1 2 3 और ये 100 रुपए का नोट देख लो अच्छी तरह। ओ डियर पार्कर, आई एम सो सॉरी। हाँ ये कोई बात हुई ना, तुम हम पे भरोसा रखो। हाँ भरोसा रखो, और अभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते तो हम तुमसे मांग लेते हैं, और दोबारा मांगेंगे तो दे देना। हाँ हाँ दे दोगी ना? फुलोरा, अरे चलो नाचे। हाँ क्या ख्याल है?
बंद करो। म्यूजिक है को बंद किया? अरे तुम्हारे पापा जो चीख रहे हैं ऊपर से, तो उसके लिए हम अपने एंजॉयमेंट बंद कर दें? ये तुम जानो और तुम्हारा पापा जाने, सरकार हम तो जाते हैं। गुड डे। क्या है, क्यों वो मारते हैं? तुम्हें इतना ख्याल नहीं कि मैं बीमार पड़ा हूं और तुम नाच गाने में मशगूल हो? तुम्हारे लिए हम अपने डांस छोड़ दो। फ्लोरा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने ऐसी बातें करती हो? तो फिर कैसे बोलो? क्या हुआ फ्लोरा? ये बाप की लाडली बहुत बोलने लगी। बीना, हम तुम्हारा बहुत शिकायत सुनने लगा है, अगर हमारा डॉटर को फिर कुछ कहेगा तो याद रखना हम। क्या बेहुदा बात कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं मर रहा हूँ, मुझसे हमदर्दी करने के बजाय तुम दोनों ने मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी उबाल कर रखी है। चली जाओ मेरे सामने से। मुझे याद है, मैं एक मर्तबा बीना की मां की जिंदगी में बीमार हुआ था। बेचारी तमाम रात आंखों में काट दिया करती थी। हम इतना फूल नहीं जो अपना रेस्ट किसी के लिए खराब करें। ये सब पहले काय को नहीं देखा था, शौक में आकर मैरिज कर लिया, अब रोता है। ठीक कहती हो, हम जैसों की सारी जिंदगी रोते ही कटती है। मैंने जो भूल की है, भगवान न करें कि कोई दूसरा भी वो भूल करे। तुम जैसों से शादी करना आस्तीन में सांप पालना है। मुझे क्या मालूम था कि खूबसूरत बला की मुसीबत मैं अपने सर ले रहा हूं। मैंने कहा नमस्ते। मैं तो डरते डरते आ रहा था कि शायद आज घर से बाहर ही ना निकाल दिया जाऊं। मैं दूसरों की तरह बदअखलाक नहीं हूं। तो ये बात मुझे मालूम नहीं थी। कहिए, आपके दीपक बाबू का क्या हाल है? हाल क्या बेहाल हो रहे हैं बेचारे। वो किस लिए? बीना कुमारी की जुदाई में। शायर का गम ही क्या, जरा सी देर में गम और जरा सी देर में खुशी। शायर बातें बनाना और दूसरों को धोखा देना खूब जानते हैं। जिसके लिए जी चाहा आहें भर ली और जिसके लिए जी चाहा आंसू बहा दिए। मगर शायर के आंसू झूठे नहीं होते, खून के आंसू रोता है बेचारा। बड़ा बेचारा शायर, मोहब्बत करता है 10 से और वफा 1 से भी नहीं। मगर बेवफा नहीं होता, खासकर आपके बेचारे शायर तो बहुत ही सीधे साधे शरीफ आदमी है, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। हाँ, अगर कभी आपने ऐसा किया तो दूसरी बात है। माफ कीजिएगा, औरतें मर्दों की तरह बेवफा नहीं होती। औरत एक बार जिस दीवार के साया में खड़ी हो जाती है, फिर उसे कभी गिरता हुआ नहीं देख सकती। और मर्द की जिंदगी भी जब थक कर मोहब्बत की घनी छांव में दम लेती है, तो फिर दम तोड़ने के बाद ही मिटा करती है। मैं दीपक बाबू की तरफ से उनका यह संदेश आपको सुनाने आया था कि उनकी मोहब्बत भी उसी रास्ते पर चल रही है जो रास्ता या तो अपनी मंजिल पर पहुंचकर खत्म होता है और या फिर शमशान भूमि पर। दीपक बाबू। बीना। दीपक बाबू, मुझे क्या मालूम था कि जिसे आंखें ढूंढ रही थी वो कई बार सामने आकर गुजर चुका है। मगर अब हम एक दूसरे से कभी नहीं बिछड़ेंगे। आओ। दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल। दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल। अरमानों की नगरी में हुआ आज सवेरा। दो बिछड़े हुए लो तुमसे मिले हम सब दिल के मिटे गम। लो तुमसे मिले हम सब दिल के मिटे गम। खुश
घड़ी भर के लिए, घड़ी भर के लिए अपनी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत कम हो न घड़ी भर के लिए, घड़ी भर के लिए अपनी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत। किस्मत के चमकते ही हुआ दूर अंधेरा, दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, अरमानों की नगरी में हुआ आज सवेरा, दो बिछड़े हुए। दूर ना होंगे, दूर ना होंगे हम प्यार की मंजिल से कभी, मंजिल से कभी दूर ना होंगे, दूर ना होंगे। अरमान भरे दिल कभी मजबूर ना होंगे, अरमान भरे दिल कभी मजबूर ना होंगे। आबाद रहे अपनी तमन्नाओं का डेरा, दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, अरमानों की नगरी में हुआ आज सवेरा, दो बिछड़े हुए। मिस्टर पोएट, दोस्त आजकल दिखाई नहीं देता, ऐसी है बस। या चुपके चुपके आशाओं की नगरी में सवेरा मना लिया और हमको अंधेरे में रख दिया। यार तुम्हें तो हर चीज अंधेरे में नजर आती। हमको क्या कहा, क्या मैं कोई उल्लू हूँ? ये बात नहीं, तुम समझते नहीं हो। अच्छा हम समझते नहीं है ने? हाँ भाई, अब तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? इन्हें आराम से सोने दीजिए, जब आंख खुले दवा पिला दीजिए। डॉक्टर साहब कोई खास बात तो नहीं? कमजोरी ज्यादा है, इन्हें चलने फिरने न दीजिएगा। अच्छा कल सुबह मैं फिर आ जाऊंगा। आप भी चले जाएंगे? जी नहीं, मैं आपका साथ दूंगा। रात यूं ही जाकर काटता हूं, किसी से दूर रहकर आज किसी के नजदीक रहकर काटूंगा। आज चांदनी कितनी सुहानी मालूम होती है। तो क्या पहले बुरी मालूम होती थी? हां, जब कोई अकेला होता है, जब कोई भयानक सपना देखकर सोते सोते जाग उठता है, जब किसी को किसी की याद सताती है, तो यही चांदनी अंगारे की चादर मालूम होती है। जब दिल किसी को ढूंढता है और तन्हाई महसूस करता है, तब यही चांदनी उसे अंधेरे का रोग मालूम होती है। कभी कभी ऐसा मालूम होता है जैसे चांदनी का समंदर उसके सीने में करवटें ले रहा हो। फ्लोरा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम मेरी बातों में दखल मत दिया करो, मगर तुम बाज नहीं आती। बहुत बुरा लगा,
शायद हमारे आने से कोई बात का गड़बड़ हुआ। मैं तुम्हारी जैसी गिरी हुई सोसाइटी की नहीं हूँ जो रात को होटलों और क्लबों में ऐश करती फिरे। हम समझा, तुम घर में बैठ के ऐश करना जानता है। शराब, चली जाओ यहाँ से। हम लव का एटिकेट जानता है, हम खुद जाते हैं। गुड नाइट। बड़ी तेज मालूम होती है। नई तहजीब की है ना। मेरा ख्याल है मैं चला जाऊं, फिर कभी आऊंगा। क्यों, आप बुरा मान गए? ये बात नहीं, प्रकाश इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, तो आप मेरी कसम खाइए कि आपने फ्लोरा की बातों का बुरा नहीं माना। मैं आपकी इज्जत को बहुत इज्जत देता हूँ और ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कुछ सुनना पड़े। अच्छा, मैं फिर आऊंगा। नमस्ते। कौन हो तुम? रोज रोज इधर क्या करने को आता है? जी मैं तो मैं क्या बोलता है, इतना रात तक हमारा डॉटर बीना से लव टॉक करने को आता है। ये क्या कह रही हैं आप? हम बोलता है अब तुम इधर नहीं आना को सकता। मगर क्यों आखिर? हमारा मर्जी, अभी तुम जाओ, मगर अब इधर आया तो हम तुम्हारा बराबर रास्ता बनाएगा। आपने उन्हें यहाँ आने से क्यों रोका? आप कौन होती हैं ऐसा कहने वाली? हम कौन हैं? हम तुम्हारा मदर हैं। मदर? यही तो अफसोस है कि तुम मेरे बाप की बीवी हो और मैं तुम्हें माँ कहने पर मजबूर हूँ। नहीं तो तुम क्या करता? क्या करती? अपने घर में आग लगाने वालों को जला डालती। ओह माय गॉड, तुम हमारा खून करेगा? फ्लोरा, फ्लोरा, व्हाट्स ऑल दिस गड़बड़? ये हमारा खून करने को मांगता, तुम ही इसका खून करेगा? तुम दोनों का खून सफेद है, आज अपनी होती हुई भी गैर मालूम होती हो। तुम दोनों ने मिलकर घर को बर्बाद कर रखा है। माय गॉड, ये तो बहुत बोलने लगा, बहुत तेज जबान चलता है। जबान क्यों ना चलेगी, तुम दोनों ने मिलकर पिताजी का खून चूस लिया है। बड़ा है बाप वाला, एक बाप मिल गए तो नाक चरा के फिरता है। अगर अपनी नाक ऊंची समझती हो तो क्यों दूसरों के टुकड़ों पर पड़ी हुई हो? चली जाओ यहाँ से। क्यों हराम का खाती हो? हराम का खाते है? ये क्या बदतमीजी है? ठहरो बीना, मैं अभी आया हूँ। सब्र से काम लो बेटी, दुनिया में हर शख्स मरने ही के लिए पैदा हुआ है। तुम्हारे पिताजी मेरे सच्चे दोस्त थे, अब मुझे तुम उन्हीं की जगह समझो। ये वो कागजात हैं जिसमें तुम्हारे पिताजी अपनी तमाम जायदाद का बंटवारा कर गए हैं। लो, इन्हें संभाल कर रखना। अच्छा, अब मैं जाऊंगा। मम्मी मम्मी वो आता। ऑल राइट, बैठो। गुपचुप बैठना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सेठ ज्वाला प्रसाद आपके नाम ये कागजात लिख गए थे, जायदाद का बंटवारा भी उन्होंने खुद ही कर दिया था। थैंक यू। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। गुड डे। गुड डे। Thank you.
What is the matter, mummy? Oh my God. हमको 1/4 दिया. 1/4? रुपया में जा रहा ना. बाकी सब बिना खाएगा. अब क्या बनेगा मम्मी? जो बनेगा वो सब देखेगा. अब पॉलिसी खेलना पड़ेगा. क्वाइट रहो और अपना काम करो. दीपक बाबू, खाना नहीं खाएंगे आप? मुझे भूख नहीं है. कल से आप कुछ उदास दिखाई देते हैं. आखिर क्या सोचा करते हैं? जिंदगी में न जाने क्या कुछ सोचना पड़ता है रानी. तूफानों से बस कर नाव किनारे तरफ बढ़ती है, फिर भी दिल धड़कता रहता है. दिल में दर्द करवटे लेता है, आंखों में आंसू और होंठों पर आहें कांपती रहती है. होंठों पर आहें, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, मगर ये सब किसके लिए? उसके लिए जो एक शायर की जिंदगी है, जो मुझसे बहुत गरीब हो चुका है. पहले कोई दिल में था, अब आंखों के सामने है. पहले कोई आपके दिल में था, अब आंखों के सामने है. मैं जानती हूं दीपक बाबू. तुम क्या समझ रही हो रानी? रानी सब कुछ समझ चुकी है. आपकी खामोश मोहब्बत इतने समय तक गूंगी बनी रही, मगर आज औरत के सच्चे प्रेम ने उसे जबान दे दी. तुम बड़ी भोली हो रानी, तुम नहीं समझ सकती. मोहब्बत के रास्ते बड़े उलझे हुए हैं. पहले थे मगर अब नहीं रहे. दीपक बाबू, आपके पांव इस रास्ते पर डगमगा सकते हैं, मगर रानी इन्हीं रास्तों से गुजरती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी. रानी, ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूं जो आप बहुत दिनों से कहना चाहते थे, जिस गुत्थी को आप ना सुलझा सके, आज मैंने उसे सुलझा दिया. तुमने इस गुत्थी को सुलझाकर मेरी जिंदगी को और भी ज्यादा उलझा दिया है. तुमने आज सब कुछ खुले शब्दों में कह दिया, बुरा किया. मैं जान चुका था कि तुम्हारे बचपन का प्रेम जवानी की सांसों में अंगड़ाइयां लेने लगा है, मगर मैं तुम्हारे जीवन को नाकामी का रोक न लगाना चाहता था, इसलिए अब तक खामोश रहा. दीपक बाबू, तो क्या? हाँ रानी, तुम अब तक धोखा खाती आई हो. जिस प्रेम को तुम आज तक अपनाती चली आई हो, उसे कोई दूसरा अपना चुका है. दीपक बाबू, मुझे तुमसे हमदर्दी है रानी, पर मैं मजबूर हूं. मैं दिल के हाथों बिक चुका हूं. ये आपने मुझे पहले क्यों ना बताया? आप खामोश रहकर मेरे प्रेम को सहारा क्यों देते रहे? इसलिए कि मैं तुम्हारे होंठों पर दुख भरे गीत कांपते ना देख सकता था. मैं ना चाहता था कि तुम्हारी आंखों में आंसुओं की नदी लहरें मारती रहे. मगर आपने खामोश रहकर इस नदी में बंद बांध दिया, और ये ना सोचा कि जिस समय नदी बाढ़ पर आएगी, बंद के टुकड़े कर देगी और अपने साथ न जाने क्या कुछ बहा ले जाएगी. मेरे सीने में जो चिंगारी दहक रही थी, उसे आपने ज्वाला बना दिया है. मगर रानी, अब तुम मेरे सीने में क्यों आग लगाना चाहती? मैं आपके सीने में आग लगाकर अपने सीने की आग बुझाना चाहती हूँ. जंगल में जब एक तरफ आग लगती है, तो उसको बुझाने के लिए दूसरी तरफ भी आग लगा दी जाती है, ताकि दोनों तरफ की आग आपस में टकरा कर ठंडी हो जाए. Thank you.
हुए बाबू की तरफ से उनका यह संदेश आपको सुनाने आया था कि उनकी मोहब्बत भी उसी रास्ते पर चल रही है जो रास्ता या तो अपनी मंजिल पर पहुंचकर खत्म होता है और या फिर शमशान भूमि पर। रास्ते बड़े उलझे हुए हैं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। दीपक बाबू, मुझे आज मालूम हुआ कि मैं एक सुंदर सपना देख रही थी। मैं ये नहीं जानती थी कि जिसे मैं अपना समझ रही हूं वो किसी और का हो चुका है। मुझसे अब मिलने की कोशिश ना कीजिएगा, अगर हो सके तो इतना याद रखिएगा, औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करती है। बदनसीब बीना। बीना, क्या बात है? भैया, तुम बीना को जानते हो? हाँ, क्यों? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। हजारों प्यार करते हैं, हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको है। ये दुनिया है, यहाँ दिल में समाना किसको आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल में समाना किसको आता है। मिटाने वाले लाखों हैं, मिटाने वाले लाखों हैं, बनाना किसको आता है। ये दुनिया है, किसकी तरफ देखें,
का यूं तो दम भरते हैं इस दुनिया में सब, लेकिन दुनिया में सब लेकिन वफा के नाम पर मिट कर दिखाना किसको आता है। हजारों प्यार करते हैं, हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है। ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। मैं आ सकती हूँ? तुम आ, मुझसे मिलने आई हो? हाँ बहन, तुम मुझे ना जानती होगी मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। प्रकाश भैया को तो जानती हो, मैं उनकी छोटी बहन रानी हूँ। रानी नाम है तुम्हारा, क्या चाहती हो? मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। मुझसे कुछ मांगने आई हो? लेकिन तुम जो मांगने आई हो उसे तो मैं पहले ही तुम्हारे घर छोड़ आई हूं। बहन मुझे तसल्ली नहीं, भीख चाहिए। मैं तुम्हारे पास भिखारन बनकर भीख मांगने आई हूं। रानी को एक भिखारन क्या दे सकती है? प्रेम के जुए में मैं अपना जीवन तक हार चुकी हूं, अब मेरे पास क्या रह गया है जो तुम लेने आई हो? बिना के हृदय के सब तार टूट चुके हैं, अब तुम्हें उससे एक भी खुशी का राग नहीं मिल सकता। तुमसे अपनी नहीं दूसरे की खुशी की भीख मांगने आई हूं। दूसरे की खुशी यानी दीपक बाबू की खुशी? मैं अपने प्रेम की सौगंध खाकर कहती हूं कि दीपक बाबू की एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपने हजार गम का सौदा करने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा उनकी आंखों में नाकामी की जगह मुस्कुराहट देखना चाहती हूं। फिर तुम ऐसा चाहते हुए भी उन्हें बर्बाद क्यों देखना चाहती हो? औरत का सच्चा प्रेम कभी अपने प्रेमी को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। इसी कारण मैंने तुम्हारे लिए अपने अरमानों की बस्ती जला डाली। मैंने अपनी आशाओं की खेती में सिर्फ तुम्हारे लिए आग लगा दी। अपनी जिंदगी की तमाम बहारें तुम पर न्यौछावर कर दी। अब तुम मुझसे क्या लेने आई हो रानी? बर्बाद मोहब्बत की याद कायम रखने के लिए आंखों में चंद आंसू छुपा रखे हैं, जी चाहे तो उन्हें भी अपने दामन में भर लो। बीना बहन, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने गलत समझा है, दीपक बाबू मेरे नहीं तुम्हारे हैं। वो कभी कभी उदास होने पर मुझको अपने दिल का हाल बता देते हैं। शायद तुमने ये बात मालूम कर ली है और तुम इसे कुछ और समझ रही हो। मैं दीपक बाबू के लिए अपने प्रेम की नहीं तुमसे खुद तुम्हारे प्रेम की भीख मांगने आई हूं। मेरे प्रेम की भीख दीपक बाबू के लिए? हां बहन, तुम्हारी उस चिट्ठी ने उनकी दुनिया बदल डाली है। उनको उनकी दुनिया में वापस ले आओ, मैं उनको तड़पता नहीं देख सकती। अब तक मैं तुम दोनों के रास्ते का कांटा बनी रही मगर अब मैंने उस कांटे को खुद निकाल फेंका है। मैं तुम्हारे सुहाग के फूलों को पैरों में मसलता नहीं सर चढ़ते देखना चाहती हूं। तुम रानी के लिए अपने अरमानों की बस्ती जलाना चाहती हो मगर इससे पहले रानी खुद अपने हाथों अपनी आशाओं की चिता में आग लगा चुकी है। मैं तुमसे पहले अपने होठों के मधुर गीत
तुम्हारे होठों को दे चुकी हूं। तुमसे पहले मैंने अपनी मांग का सिंदूर तुम्हारी मांग को सौंप दिया है। तुम मुझे अपने जीवन की चंद बहारें देना चाहती थी, मगर मैं बचपन से लेकर जवानी तक की सारी पूंजी तुम पर निछावर कर चुकी हूं। रानी, रानी, बस रानी, बस। क्या ड्यूटी पे जा रहे हो? अरे अभी ड्यूटी से ऑफ हुआ हूँ, अब घर जा रहा हूँ। मगर तुम कहाँ जा रहा? लाइब्रेरी से आया हूँ, अब कोई पिक्चर देखने जा रहा। अच्छा, अरे ये तो वीना की मोटर है। अच्छा यार, फिर मिलेंगे। अच्छा, मुझे भी जल्दी है, फिर मिलेंगे। ओह आई एम सॉरी। आज रात तुम यहीं रह जाओ रानी, कल सुबह चली जाना, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे तुम्हारा बदन तो बहुत गर्म है, बीमार रहती हो क्या? बीमार थी मगर अब नहीं। तुमने मुझे ऐसा अमृत पिलाया है रानी कि अब मैं कभी बीमार नहीं हो सकती। बीमार का रोग अपने ऊपर लेकर तुमने मोहब्बत की बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो। लाओ मैं दे देती हूँ। बीबी जी आपकी दवा। रानी ये चिट्ठी जरा दीपक बाबू को दे देना। अच्छा लो तुम ये दवा पी लो। कड़वी है आज। बीना, सीना कटा जा रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है बीना? ये तुम्हें क्या हो रहा है? दीपक बाबू को बुला दो रानी, दीपक बाबू को बुला दो, दीपक बाबू को बुला दो। पास रहो, मैं अभी आती साथ। रानी बीबी दीपक बाबू को बुलाने को गया है। रानी वो दूसरा लड़की? यस मैम साहब। वेल हम देखता है। दीपक
स्टेशन, हम बंगला नंबर 15 थर्ड लॉर्ड लेन से बोलता है। क्या बात है? एक लड़की हमारे डॉटर को पॉइजन देकर भाग गया है। किस तरफ गई है? वो नंबर 9 क्लब रोड, वो नंबर 9 क्लब रोड का तरफ गया है। लड़की का नाम क्या है? रानी। हाँ हाँ, रानी। भैया कहाँ हैं? वो दीपक बाबू के साथ बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? अच्छा, वो आए तो उनसे कह देना कि बीना बहन के घर जल्दी आ जाए। और हाँ, ये चिट्ठी भी उन्हें दे देना। अच्छा। क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम रानी। रानी, चलो हमारे साथ। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पुलिस चौकी। क्यों? जहर देकर आई हो। मैंने कुछ जहर नहीं दिया। चलो सीधा से। ये शीशी मिली है। मालूम होता है कि मुल्जम घबराहट में शीशी छोड़कर भागा है। हेलो मिस्टर राजन, आप आ गए? बीना कुमारी कहाँ है? बीना कुमारी? बीना कुमारी कैसी हैं डॉक्टर? आई एम सॉरी, लहर अपना काम कर चुका। ये औरत जो अभी यहां थी कौन है? ये बीना कुमारी की सौतेली मां है। ये सब क्या है? आप लोग यहां कैसे? मोहन बाबू, क्या बात? बीना, बीना, क्या हो गया बीना को? आप लोग बोलते क्यों नहीं, बताइए। परमात्मा की यही मर्जी थी। आओ। डॉक्टर, इसे क्या हो गया? इसे क्या हो गया है डॉक्टर? इसे क्या हो गया है, बता दे क्यों नहीं? इसे क्या हो गया? इसे क्या हो गया? इन्हें जहर दे दिया गया। जहर? किसने दिया जहर? रानी ने। रानी, रानी, दीपक बाबू, दीपक बाबू, मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। मगर मुझे ये उम्मीद न थी कि तुम मेरे जीवन का चिराग बुझाकर अपने प्रेम की ज्योत जलाओगी। क्या इसी रास्ते पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी? क्या यही है एक औरत का सच्चा प्यार? दीपक बाबू, तुम्हारे सीने की चिंगारी को मैंने ज्वाला बनाया और तुमने उसी से मेरे घर को जला डाला। तुम्हारी अंधी मोहब्बत ने मेरे दरवाजे पर ठोकर खाई
मैंने रहम खाकर उसे सहारा दिया, मगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी जलील और कमीनी थी कि उसने मेरी ही जिंदगी का सहारा मुझसे छीन लिया। दीपक बाबू, भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। अपना सब कुछ खोने के बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तुम एक जहरीली नागिन हो जिसने मेरे प्रेम को डस लिया है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो तुम्हें बीना को जहर देने के बजाय खुद जहर खाकर मर जाना चाहिए था। तुमने इतना बड़ा कसूर किया है कि जिसकी सजा मौत भी कम है। दीपक बाबू मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। दीपक बाबू जरा सुनिए, दीपक बाबू तुम्हें इस बात का इकरार है कि तुम दीपक से प्रेम करती हो? जो कुछ पूछा जाता है उसका जवाब दो। तुम्हें इकरार है तुम दीपक से प्रेम करती हो? मिलॉर्ड, इस किस्म के सवालात केस से कोई ताल्लुक नहीं रखते। क्यों नहीं? इससे बहुत कुछ नतीजा निकाला जा सकता है। मिलॉर्ड, मुलजिमा की खामोशी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो दीपक से मोहब्बत करती है और उसने रकावट की वजह से बीना को जहर दिया। मेरे दोस्त ने कानून जरूर पढ़ा है मगर औरत की मोहब्बत को नहीं पढ़ा। औरत का सच्चा प्यार कभी इतना गिरा हुआ नहीं होता कि वो किसी की जान लेने पर तैयार हो जाए। अदालत इंसाफ की जगह है, मुलजिमा को मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैंने बीना को रकावट की वजह से जहर नहीं दिया। रकावट की वजह से नहीं, किसी और वजह से जहर दिया। मिलॉर्ड, मुलजिमा के इस जुमले पर गौर किया जाए। किसी बात पर गौर करने की जरूरत नहीं। मैं खुद इकरार करती हूँ कि बीना को जहर मैंने दिया है। ये तुम क्या कह रही है? ठीक कह रही है। ऑर्डर, ऑर्डर। मुलजिमा के इकरार और जूरी के फैसले के मुताबिक मकतूल की मौत का जिम्मेवार थानी को ठहराया जाता है और इस जुर्म की सजा। मिलॉर्ड, जुर्म का फैसला सुनाने से पहले मुझे कुछ कहने का मौका दिया जाए। क्या कहना चाहते हो? बीना को जहर रानी ने नहीं, इस औरत ने दिया है। नो नो, हम कुछ नहीं जानता, हम पॉइजन नहीं दिया। मगर तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है? सब इंस्पेक्टर राजन इस पर रोशनी डालेंगे। सब इंस्पेक्टर राजन। इस वाकये की रात को मैं ड्यूटी से घर वापस आ रहा था कि मैंने बीना कुमारी की मोटर एक डिस्पेंसरी के सामने खड़ी देखी। ये औरत उसके अंदर बैठी कोई चीज जल्दी जल्दी पर्स में छुपा रही थी। मुझे शक हुआ और मैंने डिस्पेंसरी में जाकर इसके मुतालिक मालूमात हासिल की। क्या मालूमात हासिल की? ये नर्स वहाँ काम करती है। जब इसने जहरीली दवा देने से इनकार कर दिया तो इस औरत ने मौका पाकर शीशी चुरा ली। मगर ये औरत है कौन? ये बीना कुमारी की सौतेली माँ है। लेकिन ये माँ होते हुए उसकी जान की दुश्मन क्यों बन गई? मिलॉर्ड, इसकी वजह मैं बताता हूं। मैं सेठ ज्वाला प्रसाद का मशीर कानूनी होने के साथ साथ उनका दोस्त भी था। उन्होंने मरने से पहले अपनी जायदाद का बंटवारा मुझ ही से कराया था। चूंकि इस औरत को इसकी मर्जी के मुताबिक हिस्सा ना मिल सका इसलिए ये बीना की दुश्मन बन गई थी। नो नो, हम किसी का दुश्मन नहीं है। इंस्पेक्टर राजन ने इस औरत के बारे में जो कुछ कहा वो सही है? यस मिलॉर्ड, सब ठीक है। क्या ठीक बोलता, हम तुम्हारा बॉटल चोरी नहीं किया, तुम खुद हमको दिया। इसने खुद तुमको दिया था? यस मिलॉर्ड, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। बहुत खूब। रानी, तुमने ये क्यों इकरार किया कि जहर तुमने दिया है? मैं अब जीना नहीं चाहती। मुलजिमा रानी को रिहा किया जाता है और मिस बीना की कत्ल के जुर्म में मैडम ग्रेसी को उम्र कैद बा मुशक्कत दी जाती है। बीना, तुम्हारी समाधि से आज भी तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। बहार हमेशा यहाँ फूल लुटाती रहेगी, हर रात सितारे रोशनी बरसाते रहेंगे। इस यादगार को कभी कोई ना मिटा सकेगा,
वीना के सप्ताह टूट गए, मगर मुझ दुखियारी को एक ऐसा दर्द भरा राग सौंप गए जो हमेशा मेरे होंठों पर कांपता रहेगा। काश मुझे फांसी हो जाती और तुम्हारी तरह मैं भी अपनी आखिरी सांसों में दीपक बाबू का नाम लेती हुई हमेशा की नींद सो जाती। रानी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ रानी, तुमने अपना प्रेम बीना पर कुर्बान कर दिया, मगर उसने अपना प्रेम हमेशा के लिए तुम पर निछावर कर दिया। उसका प्रेम अमर हो गया। वो खुद अमर हो गई। भैया क्यों शायद साहब, क्या बीना से रानी की मोहब्बत के जुर्म का फैसला कराने आए हो? फ्लोरा, फ्लोरा नहीं, मोहिनी, मोहिनी कहो, मोहिनी। नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, ख्याल बदल दिया और दुनिया भी बदल दी। ईश्वर करे तुम्हारी दुनिया भी बदल जाए और तुम भी बदल जाओ। दीपक, ऐसी करवट बदलो कि मोहब्बत करने वाले करवट का बदलना ही भूल जाए। रानी, दीपक,